नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज अरिंद शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से बीएड प्रवेश परीक्षा में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप लोग क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। आप लोग इसी प्रकार से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, सभी लोग याद रखिए। अब आपको बताना है किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस जयशंकर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि मंत्री हैं वर्तमान में, गजेंद्र सिंह शेखावत ये दोस्तों जल शक्ति मंत्री हैं, सभी लोग याद रखिएगा। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, अमित शाह ये होम मिनिस्टर हैं, आप लोग इनके बारे में याद रखिए, एग्जाम में अलग अलग पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए आंसर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? सभी लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है, सभी लोग याद रखिएगा। इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में है, लेकिन आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई में। अब दोस्तों अगर हम मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई को 60 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया ये किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज बिटेट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जॉर्ज बिटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यसभा को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अपर हाउस राज्यसभा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न सदन लोअर हाउस दोस्तों लोकसभा कहा जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिए, दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर तांबा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम दोस्तों क्रिकेट की बात करें, दुनिया में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर मुख्यालय दुबई में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम भारत की बात करें, भारत में जितने भी दोस्तों क्रिकेट मैच होते हैं उनको BCCI रेगुलेट करता है, और BCCI का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर ये मुंबई में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई में, और ICC का हेडक्वार्टर ये दुबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है रॉकी पर्वत ये किस महाद्वीप पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। देखिए, क्वेश्चन था आपका रॉकी पर्वत ये किस महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रॉकी पर्वत ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, अब आपको बताना है सटकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओडिशा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये ओडिशा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, अब आपको बताना है शिवाजी के गुरु कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रामदास। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। शिवाजी के गुरु रामदास थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है चचाई जलप्रपात ये किस नदी पर बना है। दोस्तों पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, चचाई जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है। अब आपको बताना है किस नदी पर बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीड़ नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, अब आपको बताना है हेमावती ये किसकी सहायक नदी है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह। ये दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है ठुमरी गायिका गिरजा देवी ये किस घराने से संबंधित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, गिरजा देवी ये ठुमरी गायिका हैं। अब आपको बताना है किस घराने से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बनारस घराने से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठुमरी गायिका गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदराबाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहद्रथ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम दोस्तों मौर्य वंश की बात करें, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आप लोग याद रखिएगा चाणक्य थे। सभी लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिए चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों 15 मार्च को। यस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए, दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, IPC का पूरा नाम क्या है? सभी लोग फुल फॉर्म बताइएगा IPC का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन पीनल कोड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों IPC का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। आप लोग इसी प्रकार से आंसर करिएगा, आंसर जल्दी देने की कोशिश करिए। देखिए आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये गोवा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की कैपिटल पणजी है, सभी लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों राजा राममोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है, बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ओणम ये केरल का फेमस फेस्टिवल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों वृंदावन गार्डन ये मैसूर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने GK के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को
ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय जय भारत, वंदे मातरम।